वेलकम टू एलिश बेकस्ट्री। आज हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में, और वो भी सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स से। और जो लोग बेकिंग करते हैं उनके पास ये 5-6 चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। इस सॉस को मैं आपको केक के ऊपर स्प्रेड करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा है और कितनी आसानी से आप इससे काम कर सकते हैं, और इसकी ड्रिपिंग भी करके दिखाऊंगी। और पर्सनली मुझे इसकी ड्रिपिंग बहुत पसंद है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मिल्क यहाँ पे लिया है मैंने 500 ग्राम। अगर आप कम बनाना है तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी आधी करके भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर जाएगी इसमें 1 कप, कोको पाउडर 5 टेबल स्पून, और हम इसको पकाते हुए चलाते रहेंगे और अच्छे से इसको डिबॉक कर लेंगे। ये थोड़ा थिक हो जाएगा, जब ये चम्मच से रुकने लगे तब हमने इसमें अपना 4th इन्ग्रीडियंट डालना है जो कि है कॉर्न स्टार्च, और इसे हम पानी में डिजॉल्व करके फिर डालेंगे और इसे मज़ीद 2 मिनट और पका लेंगे। फिर ये और थिक हो जाएगा और आपके स्पैचुला पे या चम्मच पे अच्छे से रुकेगा। फिर सॉस को हम बॉल में निकाल लेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसका कलर और डार्क हो जाएगा और ये थिक होता चला जाएगा। अब हमने अपने इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करनी है, वो है वनीला एक्सट्रैक्ट 1/2 टीस्पून, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी हमारी चॉकलेट सॉस तैयार है, लेकिन हमने इसको अभी यूज़ नहीं करना, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको ठंडा करेंगे, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तब ही हमने इसको अपने केक्स पे अप्लाई करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।